मेरे प्यारे देशवासियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वंदे मातरम। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे कोई तकलीफ की बात नहीं। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना है खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल है उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर। ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है। लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं।